दी प्रिंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इलानॉमिक्स में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं अर्थशास्त्री इला पटनायक। आज हम बात कर रहे हैं जीएसटी की और सारे आंकड़े दिखा रहे हैं कि काफी बड़ा शॉर्टफॉल है जीएसटी में। ये बताइए इला जी कि इतना बड़ा शॉर्टफॉल है और ये इसलिए है क्योंकि कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, आर्थिक गतिविधि कम हुई। अब राज्य और केंद्र आपस में भिड़ रहे हैं कि भाई ये पैसा जो कम पड़ा है ये कौन इसकी पूर्ति करेगा। तो ये बताइए कि पहला सवाल तो ये कि इसकी भरपाई का जिम्मा किसका है। जीएसटी की अगर जीएसटी कम आता है तो इसकी भरपाई का जिम्मा राज्यों केंद्र दोनों का है या केवल केंद्र का है? जब जीएसटी लाया गया तो उस वक्त कई स्टेट्स राजी नहीं थे क्योंकि उनको काफी अपने टैक्सेस को गिव अप करना पड़ रहा था, ऑक्ट्रॉय, सेल्स टैक्स। तो वो चाहते नहीं थे कि जीएसटी के वो में शामिल हो, पर क्योंकि जीएसटी एक नेशनल टैक्स बनाया जा रहा था तो सब स्टेट्स को ऑन बोर्ड लाना था। और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने ऑफर किया सेंटर की तरफ से कि हम जो लॉस आपका हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन की वजह से, पहले दो चार साल भी आपको डर है कि आपको लॉस होगा, तो उस लॉस की पूर्ति करने के लिए हम आपको कॉम्पेंसेशन देंगे। ये कॉम्पेंसेशन एक सेस पे से आएगा। तो अब हम जब जीएसटी पे करते हैं तो हम उसके ऊपर जब हाई रेट्स ऑफ जीएसटी 18% जैसे होता है जब, तो उस पे एक सेस भी होता है और वो सेस का पैसा एक जगह किया जाएगा और फिर कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा स्टेट्स को। ये कॉम्पेंसेशन उन्होंने वादा किया 14% प्रति वर्ष के रेट पे बढ़ेगा, तो हर साल कॉम्पेंसेशन मिलेगा 5 साल तक। तो ये अरेंजमेंट 5 साल तक किया, ताकि 5 साल ये जो टैक्स उनको राज्यों को कम मिले हैं तो उसकी भरपाई हो जाए, जीएसटी लागू करने से जो नुकसान हुआ पूरा हो जाए। जी, तो अहम जो जीएसटी लागू करने की वजह से जो नुकसान हो रहा था, ये उस नुकसान को लेकर के डिस्प्यूट उठा हुआ है क्योंकि वो नुकसान तकरीबन 3 लाख करोड़ का बनता है और वो पैसा जो सेस में आना था वो क्योंकि जीएसटी ही कम हो गया तो सेस भी कम हो गया। सेस तो जीएसटी के ओवर एंड अबव होता है, जीडीपी कम हुआ तो जीएसटी कम हो गया, जीएसटी कम हुआ तो साथ में सेस भी कम हो गया। तो अब स्टेट्स को जो वो एडिशनल पैसा मिलना था वो नहीं मिल रहा, तो ये डिस्प्यूट उसको लेके है। इसके साथ ही ये भी जानिए कि स्टेट जीएसटी भी कम हुआ है, तो स्टेट्स को जो जीएसटी मिलता है आधा सेंटर को जाता है आधा स्टेट्स को जाता है, तो जब जब जीएसटी की वॉल्यूम कम हुई है, अमाउंट कम हुआ है, तो स्टेट्स को एक दूसरा नुकसान भी फेस करना पड़ रहा है कि जीएसटी की कलेक्शंस कम है। तो एक तो ये कॉम्पेंसेशन सेस की बात है और दूसरी कलेक्शन टोटल जीएसटी कलेक्शंस की बात है। तो कॉम्पेंसेशन सेस तो जाता था पहले एक सेंटर को, एक सेस जो जाता था उस फंड में जाता था और फिर सेंटर वो देती थी स्टेट्स को 14% की बढ़ोतरी भरपाई। हाँ। और दूसरा था कि जीएसटी जो डिपेंड करता था कि कितनी एक्टिविटी होगी उस पर डिपेंड करता था, वो जीएसटी भी क्योंकि एक्टिविटी कम हुई तो वो भी कम है। तो झगड़ा पहले को लेकर है पर टोटल पिक्चर में हमको सोचना दोनों को पड़ेगा क्योंकि नुकसान दो मत से हो रहे हैं, चाहे है आपका झगड़ा पहले मत से है। अब जो पहले मत का झगड़ा है उसमें केंद्र कह रहा है कि राज्य सरकार जो है इसकी भरपाई करें और वो उपाय भी दे रहा है कि कैसे किया जा सकता है, तो थोड़ी जानकारी उन दो ऑप्शंस की बताएं जो केंद्र ने प्रस्तुत किए हैं राज्यों के समक्ष, और यहाँ थोड़ी सी राजनीति भी है उस पर भी चर्चा कर लेंगे थोड़ी देर में। तो राज्य सरकारों का कहना, सबसे पहले तो ये ऑप्शन से पहले की बात करते हैं कि ये अमाउंट क्योंकि हमको जो कॉम्पेंसेशन मिलना था वो प्रॉमिस किया गया था कि हमें ये कॉम्पेंसेशन मिलेगा, हमें वो कॉम्पेंसेशन सेंटर बोरो करे मार्केट में और हमको दे और उसका इंटरेस्ट पेमेंट जो होना है वो भी सेंटर ही करे। तो सबसे पहले लेवल पे ये बात आती है कि कौन बोरो करे, और उस लेवल पे सेंटर ने क्योंकि वादा किया हुआ था और वो वादा अब निभाए, जो वादा किया था हमने उसी वादे के बेसिस पर ही हमने जीएसटी को ज्वाइन किया,
नुकसान होने के बावजूद जीएसटी को ज्वाइन किया तो सेंटर वो पूरा करे, ये बोरो करके जाके मार्केट में बोरो करे और पूरा करे। तो ये पहला सवाल होता है। इसका जवाब सेंटर ने दिया कि स्थिति ये है कि हमारे पास पैसा नहीं है और स्टेट्स बेटर कंडीशन में है बोरो करने की, उनके एफआरबीएम के जो सीलिंग हिट हुए कि वो कितना बोरो कर सकते हैं वो अभी भी स्कोप है, और वो आत्मनिर्भर भारत का जब पैकेज आया था तो उसमें भी वो 0.5% जीडीपी से बढ़ा दिया गया था, तो इसलिए स्टेट्स बोरो कर सकते हैं, तो इसलिए स्टेट्स जाके बोरो करें। अब सवाल ऑप्शन का आता है, दो ऑप्शन सेंटर ने ऑफर किए हैं। जो पहला ऑप्शन ये है कि एक आरबीआई विंडो आपके लिए अवेलेबल होगी कि जो आपका लॉस था, कॉम्पेंसेशन जो आपको मिलना था वो आप बोरो कर लीजिए आरबीआई विंडो से, उसका रेट सब स्टेट्स के लिए सेम होगा तो इसे कोई नुकसान नहीं होगा। उसको आप जो सेस को हम 5 साल से आगे बढ़ा देंगे और उसमें से ही पैसा दे दिया जाएगा इसका इंटरेस्ट देने के लिए, राइट? तो वो अमाउंट कम है पर उसमें इंटरेस्ट जो है वो आ जाएगा आगे आने वाले सेस से, जो कॉम्पेंसेशन देती थी सेंट्रल गवर्नमेंट वो वही आगे देगी, और इसलिए स्टेट्स को उसका फिस्कल बर्डन नहीं बेयर करना पड़ेगा। दूसरा बात कर रहे हैं जो 97,000 करोड़ आरबीआई की विंडो से लेने की बात केंद्र कर रहा है, पहला ऑप्शन। हाँ जी, दूसरा ऑप्शन केंद्रीय सरकार ने ये दिया है कि अगर आप चाहें तो सिर्फ, क्योंकि आपका नुकसान सिर्फ वो नहीं है जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से नहीं है, आपका नुकसान जीएसटी के कलेक्शंस भी कम होने से है, तो वो बिगर अमाउंट आप जाके मार्केट बोरोइंग कर सकते हैं। पर अगर आप मार्केट बोरोइंग करते हैं तो आपको ही उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। केंद्र ब्याज के पैसे नहीं देगी, वो आपने बाजार में जिस रेट पे लिया है बोरो किया वो आपको देना होगा राज्यों से। जी, तो अब राज्यों का क्या कहना है, उनके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है? कि कई राज्यों ने आके कहा है कि वो पहला ऑप्शन लेंगे, तो बिहार, गुजरात, कर्नाटका, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश ने पहला ऑप्शन जो आरबीआई विंडो है उसको चूज किया है। तो केंद्रीय सरकार ने उनको ट्यूजडे तक का वक्त दिया था कि आप अपने ऑप्शन चूज कर लीजिए कि आप कौन सा ऑप्शन चाहते हैं, और अगर आप सबको एग्री कर जाएगा तो उस ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। पर कुछ और ने, जैसे मणिपुर और सिक्किम ने मार्केट बोरोइंग का ऑप्शन चूज किया है। पर ये अल्टीमेटली जीएसटी काउंसिल, 19 तारीख को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, ये अल्टीमेटली उसमें डिसाइड होगा। अब राज्य सरकारें ये कह रही हैं कि हमने अपना जब ऑप्शन चूज कर लिया है हमें आप पैसे देने लगो, क्योंकि हमने सैलरीज पे करनी है, अगर हम सैलरीज अभी नहीं पे करते हैं तो तरह तरह की दिक्कतें आएंगी। तो इंतजार मत करिए कि कंसेंसस बनेगा, कि वोटिंग होगी, आप सबको मनाएंगे, क्योंकि सबको मनाते मनाते तो वक्त लग सकता है। कई सरकारें हैं जो नहीं, अभी भी नहीं मान रही, केरला जैसे, वो नहीं मानना चाहती ये ऑप्शन भी कि स्टेट्स बोरो करें, वो चाहती है कि सेंटर बोरो कर ले और उनको पैसे दे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट, कई राज्य इस बात पे ही नाराज हैं कि वो अपने वादे से मुकर रही है केंद्र, और वो चाह रहे हैं कि केंद्र अभी इसको रिविजिट करे और वही पैसा बोरो करे जी। तो वहां भी अड़चन है, ये नहीं कि ऑप्शंस को मान रहे हैं, मानने के लिए भी सब तैयार हैं। जी जी, तो अब क्या जीएसटी की बैठक तक रुकेगा केंद्र सरकार, या आगे का कदम क्या होगा, या आपको लगता है कि अलग अलग राज्यों के साथ अलग फॉर्मूला चल सकता है, क्योंकि सभी राज्यों के लिए पैसा भी जरूरी है, आप जैसे कह रही हैं सैलरी भी देनी है, खर्च करने हैं, जेब खाली है। तो कुछ जो नॉन बीजेपी सरकारें हैं वो तो ये फॉर्मूला मानने को, डिस्कस करने को तैयार नहीं है, और जो बीजेपी सरकारें हैं वो तैयार हैं डिस्कस करने के लिए कि ऑप्शन ए लें या ऑप्शन बी लें। पर दूसरी सरकारें जो जीएसटी काउंसिल में, तो यूजुअली कंसेंसस से होता है, और अगर कंसेंसस नहीं और वोटिंग से होगा तो वोटिंग में भी उनको 75% शायद वोटिंग चाहिए, और वो भी इस वक्त बहुत आसान ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कई सरकारें नॉन बीजेपी सरकारें भी, तो उस सबको देखते हुए सवाल
ये आता है कि इस समय क्या ये रास्ता जिसमें सेंटर स्टेट्स को परसुएड करे कि तुम एक ऑप्शन लो या दूसरा ऑप्शन लो फिर हम आगे बढ़े, ये रास्ता क्या इकोनॉमी में को स्मूथली चलाता रहेगा या फिर और डिसरप्शन होगी कि अगर राज्य सरकारें अपनी स्पेंडिंग और कम कर देती हैं, अपने खर्चे और कम कर देती हैं। पहले ही हमारे फर्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है उसमें 24% कॉन्ट्रैक्शन है इकोनॉमी में। कई लोग इस बारे में कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअल ग्रोथ रेट कम हुआ है कि लेवल कम हुआ है। आप ये सोचिए कि इस वक्त हमारा जो ग्रोथ होती नॉर्मली तो बढ़ते रहते हैं, पर इस बार ये हुआ है कि फर्स्ट क्वार्टर में अप्रैल में जून के महीने में पिछले साल जितना उत्पादन हुआ था इस साल उसका 75% हुआ है, 75% उसका उत्पादन हुआ है तकरीबन फर्स्ट क्वार्टर से, फर्स्ट क्वार्टर इस ईयर के लास्ट ईयर से कंपेयर करिए। तो आप सोचिए कि टैक्स भी कितना कम होगा। इस सिचुएशन में अगर सरकार अपना खर्चा भी कम करने लगे तो और भी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए जब जो भी केंद्रीय सरकार आगे कदम बढ़ा रही है या राज्य सरकारों से बातचीत कर रही है तो ऐसी चीज ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए जिसमें से कि जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन होके आगे बढ़ सके, और शायद वो रास्ता ये हो कि सेंटर को ही बोरो करना पड़े। मैं उसी पे आ रही थी कि अगर सेंटर को बोरो करना पड़ा तो एक उसकी भी लिमिट है कि वो कितना बोरो कर सकता है और कितनी बोरोइंग उसके फायदे का सौदा है या उससे बड़ा नुकसान ज्यादा होने वाला है, तो ये कैसे सेंटर इसको तय करेगी। दो चीज इसमें याद रखिए कि जैसे सेंटर ने कहा है कि हमारी क्रेडिट रेटिंग कम हो जाएगी बोरो अगर हम करते हैं, पर एक्चुअली क्रेडिट रेटिंग ज्यादातर ओवरऑल पिक्चर देखी जाती है क्योंकि सेंटर और स्टेट्स का टोटल जो कंट्री का डेट है वो सेंटर प्लस स्टेट्स का टोटल गवर्नमेंट डेट है। वो सिर्फ सेंट्रल के डेट अगर सेंटर ना बोरो करे और स्टेट्स पे सब छोड़ दे तो जनरल डेट जिसको बोलते हैं या जनरल डेट वो तो फिर भी बढ़ेगा, वो कम नहीं हो जाएगा इसलिए कि अगर सेंटर खुद ना बोरो करे। दूसरी बात ये याद रखिए कि स्टेट की बोरोइंग हमेशा इम्प्लिसिटली गारंटीड या बैक्ड बाय द सेंटर होती है। स्टेट की बोरोइंग ऐसे नहीं है कि स्टेट बस अपना बोरो कर रहा है कुछ, सेंटर हमेशा एक स्तंभ बन के या पीछे बन खड़ा रहता है ताकि स्टेट अगर डिफॉल्ट भी करे तो सेंटर की जिम्मेदारी कहीं रहती है। तो वो इम्प्लिसिट लायबिलिटी है ही सेंटर की, ये ऐसा नहीं है कि अगर स्टेट सारे बोरो कर ले सारी या बोरोइंग स्टेट्स पे छोड़ दीजिए तो कंट्री की कोई क्रेडिट रेटिंग बहुत हाई हो जाएगी या लोग सोचेंगे कि नहीं इस देश में सरकार ने बोरो नहीं किया है। ये इसलिए टोटल जो डेट है सेंटर और स्टेट्स का उसको हमें साथ में देखना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि वो डेट सस्टेनेबल है कि नहीं, क्योंकि वही डेट डिटरमिन करता है कि अगर आप इतना कुछ ले गए सरकार इतना कुछ बोरो करके ले गई तो प्राइवेट सेक्टर के पास इन्वेस्ट करने के लिए बोरो करके इन्वेस्ट करने के लिए कितना बचा। तो इकोनॉमिक टोटल इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है डेट का वो सेंटर प्लस स्टेट्स का होता है, सेंटर का अलग नहीं होता। तो ये जो भी डिसीजन लिया जाना चाहिए वो बहुत ही ध्यान से डिसीजन लिया जाना चाहिए ये देखते हुए कि एक तो हम डिसरप्ट ना करें गवर्नमेंट स्पेंडिंग को, जो कि स्टेट्स ही काफी स्पेंडिंग तो स्टेट्स के थ्रू ही होती है, वो डिसरप्ट नहीं हो, कि ये नहीं हो कि टोटल डेट उतना ही हो और सिर्फ सेंटर और स्टेट्स में बांट लेने से इस इल्यूजन में नहीं होना चाहिए कि टोटल जनरल कंट्री का डेट कम हो गया या उससे जो क्राउडिंग आउट होती है वो कम हो गई। तो ओवरऑल पिक्चर को जरूर ध्यान में रखना चाहिए और ओवरऑल पिक्चर में एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला अपनाए जो अर्थव्यवस्था के लिए सबसे माकूल हो ताकि अर्थव्यवस्था वापस पटरी पे भी लौटे और आने वाले दिनों को भी ध्यान में रखे क्योंकि किसी को नहीं पता कोविड कब तक चलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया इला जी, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। आप द प्रिंट को सब्सक्राइब करें, हमारा यूट्यूब चैनल देखें और हमारे सोशल मीडिया पे भी हमसे जुड़े। नमस्कार।